जय भोले की, हर हर महादेव, बम बम भोले। आज मैं आपको शिव की कृपा से कार्तिक कृष्ण पक्ष रमा एकादशी की कथा सुना रही हूँ। सुनिए, धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, अब आप मुझको कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को विधि पूर्वक सुनाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी कथा मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ, सो तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल की बात है कि एक राजा जिसका नाम मुचकुंद था, वह धर्म से राज्य करता था। उसके मित्र भी इंद्र, कुबेर, वरुण, विभीषण आदि थे। वह सत्य बोलने वाला विष्णु का गहरा भक्त था। उसके एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम चंद्रभागा रखा गया। जब वह लड़की शादी योग्य हुई तो राजा ने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक दिन शोभन अपनी ससुराल में आया। उस दिन एकादशी के व्रत का दिन था। चंद्रभागा ने एकादशी का दिन समीप आया जानकर विचार किया कि मेरा पति अत्यंत दुर्बल है, इसलिए यह व्रत नहीं कर सकेंगे। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे पिता की आज्ञा कठिन है। वे दशमी के दिन राज्य में ढिंडोरा पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन कोई भोजन न करे। शोभन यह सुनकर अपनी पत्नी के पास आया और उससे पूछा कि हे प्रिय, तुम मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा जीवन नष्ट न हो। तब चंद्रप्रभा ने उत्तर दिया कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी के राज्य में कोई भी एकादशी के दिन भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, भैंस, गाय, बैल इत्यादि पशु भी तृण ग्रहण नहीं करते। तब फिर आप ही बताएं कि मनुष्य किस प्रकार से अन्न ग्रहण कर सकता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो इस नगर को छोड़कर आज के दिन कहीं और चले जाइए। यदि आप इसी स्थान पर रहेंगे तो यह व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। शोभन ने उत्तर देते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है। अब मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा। जो भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। इस प्रकार विचार कर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। तब वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और जागरण करने की रात्रि आई तो वह शोभन को अति दुखदायी प्रतीत होने लगी। नतीजा यह हुआ कि दूसरे दिन प्रातः काल होने से पूर्व ही शोभन की मृत्यु हो गई। तब राजा ने राजकीय सम्मान के साथ उसका दाह संस्कार करा दिया। चंद्रभागा को सती होने से पिता ने रोक लिया। वह अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंत्राचल पर्वत पर स्त्रुओं से मुक्ति एक उत्तम देव नगर प्राप्त हुआ। उसकी अटारी तरह तरह के हीरे, पन्ने, मणि आदि रत्नों से सुशोभित थी तथा स्वर्ण के सुंदर खंभे लगे हुए थे। वह उस स्थान पर स्वर्ण सिंहासन के ऊपर विराजमान हो रहा था। सम्मुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी तथा अनेक गंधर्व गान कर रहे थे। वह शोभन उस समय दूसरे इंद्र के समान वहाँ पर शोभा दे रहा था। एक समय एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण मुचकुंद नगर में रहने वाला तीर्थ यात्रा के लिए घूमता फिरता उस स्थान पर चला आया। सोम शर्मा ने शोभन को राजा का जमाई जानकर पहचान लिया और वह उसके निकट गया। सोम शर्मा ब्राह्मण को आया देखकर राजा शोभन अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और ब्राह्मण का सत्कार कर पास में बैठा अपने शवसुर तथा अपनी स्त्री चंद्रभागा की कुशलता का समाचार पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हमारे राजा और आपकी पत्नी चंद्रभागा दोनों ही सकुशल है। अब आप मुझको अपना वृतांत सुनाओ, क्योंकि मुझे यह सब देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर न तो मैंने पहले कभी देखा है
और न ही कभी सुना है, सो आपको किस प्रकार से प्राप्त हुआ। शोभन ने कहा, हे सोम शर्मा, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। इसी के कारण यह सब कुछ वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, किंतु यह सब अध्रु यानी अस्थिर है। सोम शर्मा ने पूछा, हे राजन, यह सब अस्थिर कैसे है और ध्रु यानी स्थिर कैसे होगा, इस बात का पूर्ण रहस्य मुझे कहो। शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा पूर्वक एकादशी के व्रत को नहीं किया था, परंतु उसके प्रभाव से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं इसे अस्थिर मानता हूँ। यदि तुम इस वृंतांत को राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसे ध्रुव बना देगी। सोम शर्मा ने मुचकुंद नगर में आकर यह सारा वृंतांत चंद्रभागा को सुनाया। यह सब हाल सुनकर राजपुत्री चंद्रभागा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या आप यह सब वृंतांत आँखों देखा प्रत्यक्ष का सुना रहे हैं या कोई स्वप्न देखा है। सोम शर्मा ने समझाते हुए कहा, हे राजकन्या चंद्रभागा, यह जो कुछ भी वृंतांत मैंने तुमसे कहा है वह सब अपनी आँखों से देखा है, इसमें किंचित मात्र भी झूठ बात नहीं है, परंतु वह नगर अध्रु है। तुम कोई ऐसा उपाय करो कि वह नगर ध्रुव बन जाए। चंद्रभागा ने कहा, हे महाराज, आप मुझे उस नगर में शीघ्र ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ और मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को ध्रुव बना लूंगी। तब सोम शर्मा चंद्रभागा को अपने साथ लेकर मंदराचल पर्वत पास वामदेव मुनि के आश्रम पर लिवा लाया। तब वामदेव मुनि ने मंत्रों से चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब वह चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण कर अपने पति शोभन के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को आया देखकर प्रसन्नता पूर्वक अपने सिंहासन पर वाम अंग पर बैठाया। तब चंद्रभागा ने शोभन से कहा, हे प्राणनाथ, अब आप मेरे व्रत के पुण्य प्रभाव को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की आयु की थी, तभी से मैं इस एकादशी का व्रत यथाविधि से करती रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर ध्रुव हो जाएगा और समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय काल के अंत तक रहेगा। वह चंद्रभागा दिव्य देह धारण करके अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। हे युधिष्ठिर, यह मैंने तुमसे रमा एकादशी के महत्व में कहा है। जो मनुष्य इस रमा एकादशी के व्रत को धारण करते हैं, उनके ब्रह्म हत्या आदि के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में मेरी और शिवजी की दोनों की पूजा करना अति उत्तम होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कहते के सुनते के हुकारा भरते के।